नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में मैंने एक आरटीआई डाली थी तो आगे से जवाब आया था कि देर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी या महाराष्ट्र की कोई गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी नेचुरोपैथी की नहीं है। बहुत टाइम पहले तो बहुत सारे मेरे को फ़ोन आते हैं कि सर आपने तो कह दिया रेगुलेटरी बॉडी या काउंसिल नहीं है या बोर्ड नहीं है, मगर यहाँ पर तो बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत सारी काउंसिल्स हैं। किसी ने मान लीजिए कि मैं हूँ, मैं अपने पे ही लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम हरप्रीत है, अब मैं अपने नाम के आगे लिख दूँ हरप्रीत नेचुरोपैथी काउंसिल, अब एक पढ़ा लिखा बंदा तो समझ जाएगा मिनट में कि ये कौन सा बड़ा शाहरुख खान है जो अपने नाम के आगे बेच रहा है। मैं कोई राष्ट्रपति नहीं रहा, ना मरहूम हूँ, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मेरा कोई योगदान है इस दुनिया में, तो मेरा नाम क्या कोई बहुत बड़ा हो गया? ठीक है, तो लोग बेवकूफ बनते हैं, लोग डिमांड करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, तो सामने वाला जो फेंकू है वो फेंकेगा, तो सामने एक चूहा है, चूहा रोटी के चक्कर में ट्रैप हो जाता है, मगर जो स्मार्ट चूहा है वो वहाँ आता ही नहीं कि मेरा ट्रैप है। तो दोस्तों स्मार्ट बनना सीखिए, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, फिर भी आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट काउंसिल का नहीं पता। ऐसे ही बहुत सारी पैरामेडिकल काउंसिल है, नेचुरोपैथी काउंसिल को आप कैसे जानेंगे कि ये प्राइवेट है? तो ये देखिए, मान लीजिए मैं रहता हूँ राघो माजरा, अब मेरे एरिया का राघो माजरा, तो मैंने राघो माजरा नेचुरोपैथी काउंसिल बना दिया, अब लोग इसको ही पूजे लगे भी बाबा जी ने बना दिया। ओ पहली बात तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा योगा आसन करता हूँ या मेरे को बहुत बड़ी नॉलेज हो, यहीं पे गूगल से देखता हूँ आपको बता देता हूँ। जितनी मैं एक आइंस्टीन था, आइंस्टीन का जब के बारे में सुना है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो जीनियस था, जिसकी आई क्यू इतनी थी, कहते उसने 0.01% भी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं की। अब इतना बड़ा इंटेलिजेंट बंदे ने अगर अपने ब्रेन का इतना सदुपयोग नहीं किया तो इसका मतलब हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर आइंस्टीन जैसा महान पुरुष जिसकी आईक्यू कहाँ की कहाँ थी, उसने नहीं अपना ब्रेन यूज़ किया, और जब कहते भी ब्रेन खोल के देखा गया तो उस यानी कि उस ये ब्रेन जो हमारा है कंप्यूटर से भी आ गया, इनफाइनाइट कैपेसिटी है इसमें। अब देखिए जो प्राइवेट काउंसिल होगी उसमें अगर आपने फ़ोन कर लिया तो फ़ोन उठाने वाले 10 बार आपको फ़ोन करेंगे। गवर्नमेंट में कहीं पर भी फ़ोन कर लो, आपको कभी फ़ोन बैक नहीं आएगा। कभी फ़ोन आया है कभी गवर्नमेंट से कि आपने एडमिशन के लिए फ़ोन किया था, कब आ रहे हो, ये फलानी है? गवर्नमेंट में तो एक लास्ट डेट होती है, एक्सटेंड नहीं होती, मगर प्राइवेट काउंसिल में सारा साल ही एडमिशन चलती रहती है, ठीक है। और बार बार जैसे मोबाइल कंपनी वाले बार बार कहते हैं उनके टेली काउंसलर, हाँ जी ये डिस्काउंट है, ये है, ये बिजनेस टैक्टिक है। जितने भी मैं सरकारी दफ्तरों में 90% में जब मैं फ़ोन मिलाता हूँ, कहते ये फ़ोन ही मौजूद नहीं है, लो कर लो बार। और वो फ़ोन करो तो 10 तरह की एक्सटेंशन लाइन मिलेंगी आपको, 10 तरह की एक्सटेंशन लाइन मिलेंगी आपको। एक फ़ोन करते करते ही आप थक जाओगे, पूरा दिन ही लग जाएगा, ये मिलाना है तो ये मिलाओ, ये मिलाना है तो ये मिलाओ। तो दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट काउंसिल में जांचना कौन सा मुश्किल है, ठीक है। दूर से ही बू आ जाती है कि यहाँ बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर करते हो तो आपको बड़े बड़े क्लेम दिए जाएंगे। अब वेबसाइट के सर्वर जितने हैं फॉरेन कंट्री में हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या हैं, .org भी लगा देते हैं, वैसे नेट भी लगा लेते हैं, नेट इन भी, GOV भी लगा लेते हैं। अब बंदा उन पे केस नहीं कर सकता, सर्वर ही बार हैं, वो आपके कार्य क्षेत्र में ही नहीं है इंडिया के। तो बहुत सारी फेकू चीज़ें चलती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट में बहुत फर्क होता है। ये बात अलग है कि करप्शन जो है, अब मैं समझ गए होंगे कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है, भ्रष्टाचार जो है अगर गवर्नमेंट सर्कल में है,
तो प्राइवेट में मार्केटिंग बहुत जबरदस्त होती है। यही रीजन रहा है कि टेलीफोन डिपार्टमेंट कहाँ का कहाँ निकल गया, कहाँ का कहाँ प्राइवेटाइजेशन में निकल गया आगे। मगर नेचुरोपैथी की जितना सवाल है, अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट काउंसिल नहीं है, वो आरटीआई देख के भी अगर आप फिर भी कोई और काउंसिल जहाँ पे दो बंदे बैठे हैं, तीन बंदे बैठे हैं, ठीक है जी, आप उसके दफ्तर में जाते हो तो कुछ भी गवर्नमेंट जैसा आपको नजर नहीं आता वहाँ के स्ट्रक्चर पे। क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर में चले जाओ, आपका मीटर सट गया बिजली का और आप 10 बजे के बैठे हो 12 बजे, तो अंदर एसडीओ साहब आप चपड़ासी कहेगा खड़े रहो, फिर उसका जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक सरकारी बंदा और एक प्राइवेट बंदे में बहुत फर्क होता है बेटा। दूसरा, अगर फिर भी आपके मन में डाउट है कि नहीं ये प्राइवेट वाली कौंसल तो नेचुरली है ही सरकारी, तो आयुष अधिकारी के पास जाओ, आयुष अधिकारी आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा कि ये कहाँ की सरकारी है और कहाँ की प्राइवेट है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको कुछ बताना चाहता था। दूसरा, कभी एक प्राइवेट कौंसल वाले जो अपने आप को गवर्नमेंट कौंसल की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछो कि भैया नेचुरली तू तो यहाँ एम्प्लाई है, तो तेरे अकाउंट में तनख्वाह आती होगी गवर्नमेंट की, आयुष डिपार्टमेंट की, तो वही दिखा दे, या स्टेट आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से तनख्वाह आती होगी अकाउंट में अगर तू सरकारी है, कम से कम ये तो देख सकते हो, ये ही पूछ के दिखा दो, तो वो क्या बताता है प्राइवेट कौंसल वाला। नाम कौंसल रखने से गवर्नमेंट नहीं हो जाता। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।